राइट है वही कहानी है मिनिमाइज करो इनको मिनिमाइज द एक्सप्रेशन एफ इज इक्वल टू मैंने लिखा ए प्लस ए बार बी मिनिमाइज करो इसको जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो और फटाफट से आंसर लिख दो राइट आंसर इमीडिएटली पॉज करो स्क्रीन को और आंसर लिख दो फटाफट लिखा आपने चलिए मैं सॉल्व करता हूं आपके लिए देखें एफ इज इक्वल टू ए प्लस ए बार बी नहीं इसको अभी नहीं करते लेट मी लेट मी टेक सम सिंपल एग्जांपल्स हियर अभी इसमें कंफ्यूज आप लोग थोड़ा सा कुछ आसान से एग्जांपल ले लेते हैं देखिए ए बी ए बी प्लस ए बार बी थोड़ा सा आसान रखते हैं चलिए ये लिखा हमने इसको अभी उसको भी मैं करा दूंगा बी कॉमन से तो क्या बचेगा ब्रैकेट में प्लस ए बचेगा बी इन ए प्लस ए बार अच्छा ए प्लस टू वॉट ए प्लस ए बार इज इक्वल टू वन तो यहां पर आ जाएगा दोस्तों एफ इज इक्वल टू बी डॉट वन b डॉट वन क्या होगा a इज इक्वल को हमने किया तो answer आया b देखिए को अगर हम देखते हैं तो वहां पर हमारे पास दो वेरिएबल्स प्रेजेंट है ओरिजिनल एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल्स हैं टू वेरिएबल्स का ये फंक्शन है दो वेरिएबल्स हैं इसके अंदर लेकिन जो मिनिमाइज रिजल्ट आया है जो कि डेफिनेटली दोनों एक दूसरे के बराबर हैं इक्विवेलेंट रिजल्ट हैं तो जो मिनिमाइज रिजल्ट आया है हमारे पास उसके पास सिर्फ वन वेरिएबल है यहां दो वेरिएबल्स थे अब यहां पर वन वेरिएबल है यानी कि एक वेरिएबल यहां से रफा दफा हो गया एलिमिनेट हो गया ड्यूरिंग द मिनिमाइजेशन तो किसी भी एक्सप्रेशन को जब हम मिनिमाइज करते हैं और उसमें से एक वेरिएबल या एक टर्म जो एलिमिनेट हो जाता है उसे बोला जाता है रिडेंडेंट वेरिएबल लिखेगा नोट क्या है नोट पॉइंट का मुद्दा ड्यूरिंग द मिनिमाइजेशन ड्यूरिंग द मिनिमाइजेशन द वेरिएबल विच इज एलिमिनेटेड वेरिएबल विच इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इसे बोला जाता है दोस्तों इज कॉल्ड रिडनडेंट टर्म या रिडनडेंट वेरिएबल मिनिमाइजेशन के दौरान जो वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है उसे बोला जाता है रिडंडेंट टर्म या रिडंडेंट वेरिएबल सो आप तो लिख सकते हैं इन द अबव एग्जांपल द रिडंडेंट वेरिएबल इज ए इस एग्जांपल में जो ए है वो क्या है रिडंडेंट वेरिएबल है रिडंडेंट वेरिएबल क्योंकि जब ओरिजिनल एक्सप्रेशन था उसमें दो वेरिएबल थे और जो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन हमारे पास आया उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल रह गया यानी कि वेरिएबल ए जो है वो कैसा है रिडंडेंट वेरिएबल है चलिए अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं सपोज कहा मिनिमाइज करना वन प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बार प्लस ई चलो मिनिमाइज करो इसको मिनिमाइज मिनिमाइज़ एक्सप्रेशन मिनिमाइज हो गया क्या लिख दिया मैंने मिनिमाइज़ आप तो क्वेश्चन समझ ही गए क्या है वो मैं लिख देता हूं हालांकि चलिए तो वन प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बार प्लस ई इसको मिनिमाइज करना इज़ इज़ इक्वल इक्वल टू टू एफ एफ तो f क्या आ जाएगा बोलो वन प्लस इस पूरे टर्म को मैं एक नया वेरिएबल एक्स मान लेता हूं वन प्लस एक्स अच्छा एक्स की पॉसिबल वैल्यूज अब क्या हो सकती है जीरो होगा या फिर वन होगा इससे ज्यादा क्या होगा जीरो होगा या फिर वन होगा तो एक्स जब जीरो है तो क्या होगा वन प्लस जीरो बनेगा और जब एक्स वन है तो वन प्लस वन बनेगा दोनों सिचुएशन में आंसर क्या आता है वन यानी कि इसका आंसर क्लियर है कि ये आएगा वन खत्म क्लियर सभी को चलिए ये नोट किया आपने इसको लिख लें फटाफट क्वेश्चन को मिनिमाइजेशन को लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल हियर एक और एग्जाम्पल देखते हैं राइट right. लिखें एक और एग्जाम्पल एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी बार प्लस डी मिनिमाइज मिनिमाइज करें इसको आगे पीछे लिख दिया लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं अल्जरा में क्या फर्क पड़ेगा ऐसे लिख सकते हैं कुछ नहीं प्लस सी प्लस बी प्लस बी बार्लस डी इससे और इसमें कुछ भी अंतर नहीं है स्क्रीन को पॉज कर दो और आंसर निकाल दो आप ठीक है मैंने ऐसे लिख दिया इसको दैट्स एब्सोल्युटली ओके अच्छा बी प्लस बी बार की वैल्यू क्या हो सकती है जब भी आप बोले जब में वेरिएबल देखते हैं तो आपके दिमाग में उसकी पॉसिबिलिटीज हिट करनी चाहिए किसी भी वेरिएबल की दो ही वैल्यू हो सकती है या तो वो जीरो होगा या फिर वो वन होगा अच्छा जब बी की वैल्यू जीरो है तो क्या बनेगा कॉम्बिनेशन देखना जीरो प्लस वन आंसर क्या आता है वन अच्छा वन प्लस जीरो क्या आता है वन यानी कि इन ऑल सिचुएशन ये मैंने डिस्कस किया हुआ है B plus B bar is equal to, वहां पे मैंने लिखा था ना ए प्लस ए बारू क्लस क्या हो गया one. यानि कि हमारे पास ए प्लस सी प्लस वन प्लस डी यानी प्लस दिस एंटायर टर्म ऐसे लिखा तो एफ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं वन प्लस एक्स अब एक्स की वैल्यू कुछ भी हो जीरो हो वन हो आंसर क्या आएगा वन बात समझ में आ गया आपको क्लियर है इतना चलिए अब आगे बढ़ते हैं लेट्स सी द वन मोर एग्जाम्पल इसको नोट करें फटाफट फड़ से और बात करते हैं अब अगले एग्जाम्पल की सी दिस एग्जाम्पल मिनिमाइज द एक्सप्रेशन एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी इन टू ए प्लस सी इसको मिनिमाइज करना है ए प्लस बी इंटू ए प्लस सीरी फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखिएगा इसको कर रहा हूं मैं स्क्रीन को पॉज करो और एफ इज इक्वल टू हमें दिया गया ये तो पहले हम बहुत बेसिक अप्रोच से चल रहे हैं तो सीधा जो मल्टीप्लीकेशन करते जाएंगे देखिए ए का हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा ए डॉट ए प्लस ए से सी का मल्टीप्लाई किया ए डॉट सी प्लस बी का ए से मल्टीप्लाई किया तो वही ए बी या बी ए लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ना, एक ही बात B. C. इतना है, इतना हमने दिया सही लिखा कुछ ने ए का ए से मल्टीप्लाई जो नॉर्मल मैथमेटिक्स है।, है ना ए से सी ए B इंटू सी अच्छा ए डॉट ए क्या होता है बोले में वॉट इज ए डॉट ए ए डॉट ए इज ए अब यहां पर मैं लेके जरूर रहा हूं लेकिन आप सभी को मुझसे पहले से मालूम होना चाहिए कि लिखने की कोई जरूरत नहीं जस्ट मैं लिख रहा हूं रेफरेंस के लिए ए डॉट ए तो हमने लिख दिया इसको ए प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी अब इसमें क्या किया जाए देखो यहां पर ए यहां पर है यहां पर भी ए है तो इसमें से ए कॉमन आ जाएगा ओके यहां पर भी ए है यहां पर भी ए है तो ए कॉमन आ सकता है लेकिन ए तो एक ही जगह लिखा है लेकिन हम जानते हैं क्या कि दिस ए प्लस ए को हम ए लिख सकते हैं बिल्कुल सही बात है यानी कि इस ए को क्या मैं ए प्लस ए लिख दू यहां से यहां तक आप समझो इतना आपको क्लियरली समझ में आया कि नहीं ये हमने लिखा इसमें कोई करेक्शन है कोई करेक्शन नहीं देखिए पहले स्टेप में मैंने क्या किया मल्टीप्लाई किया एक थ्योरम हमने रियलाइज की बुलियन मल्टीप्लीकेशन जिसमें हम जानते हैं ए डॉट ए इज इक्वल टू होता है ए तो उसको हमने ए लिख दिया तो अब ये बन गया ए प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी क्लियर है अब मैं इस ए को ए प्लस ए लिख दिया मैंने यहां पर अभी इतना हमने कैलकुलेशन किया बस चलिए अब इसमें हम टर्म्स को थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं लाइक like ए प्लस ए सी वही टर्म है एज इट इज देखो मैं वही लिख रहा हूं पूरा कंप्लीट वही है जस्ट आई हैव रीअरेंज द टर्म्स है ना आई हैव सिंपली रीअरेंज है नथिंग देखिए ए प्लस ए सी को, को यहां लिख दिया यहां इसके साथ ए बी को लिख दिया बस पूरे वही टर्म है जस्ट रीअरेंज किया नाउ वॉट वी कैन डू टेक ए कॉमन फ्रॉम हेयर वन प्लस सी टेक ए कॉमन फ्रॉम हेयर वॉट विल बी ब्रैकेट इन द ब्रैकेट वन प्लस बी ओके सो दिस वन प्लस सी इज वॉट घूम फिर के वही थ्योरम चल रही है मल्टीप्लीकेशन एडिशन ओके तो वन प्लस सी इज वॉट वन प्लस सी इज वन देखो सी की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है जीरो या फिर वन अच्छा सी जीरो तो क्या आएगा वन प्लस जीरो वन प्लस जीरो में इज वन आता है अच्छा सी वन है तो क्या आएगा वन प्लस वन वन प्लस वन क्या आता है वन यानी कि आंसर इज ऑलवेज वन तो वन प्लस सी इज वन अच्छा वन प्लस बी इज वॉट वन ए हो गया बी हो गया सी हो गया ये जस्ट वेरिएबल है जिनकी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है जीरो या फिर वन वन प्लस सी वन प्लस बी दोनों हो गए वन क्या बच गया देखो f इज इक्वल टू हमारे पास आ गया दिस a डॉट वन प्लस दिस a डॉट वन प्लस डॉट बी सी तो a डॉट वन इज इक्वल टू क्या होगा ये भी थ्योरम हमने डिस्कस कर लिया थ्योरम में बोलेन मल्टीप्लिकेशन में a डॉट वन इज इक्वल टू होता है a तो f इज इक्वल टू आ गया हमारे पास a प्लस ए प्लस बी सी अच्छा a plus a क्या होता है a plus a होता है a यानी कि फाइनल आंसर हमारे पास आ गया दोस्तों दैट इज f is equal to a plus bc दिस इज द फाइनल रिजल्ट क्लियर है बात सभी को यह आंसर आ गया a plus bc f is equal to क्या आ गया a plus bc अब इसी को जो कैलकुलेशन हमने यहां तक की इसी को बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हम एक थ्योरम को यूज करें उस थ्योरम का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम तो चलिए पहले स्क्रीन को पॉज कर दें और इस पूरे एक्सप्रेशन को जो कैलकुलेशन मैंने यहां पर की है उसको नोट कर लें और हेडिंग करें डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लेट्स डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम हेडिंग कर लीजिएगा डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम क्या है डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम समझते हैं ध्यान दीजिएगा अभी हमने जो रिजल्ट कंक्लूड किया उसमें हमने क्या देखा फंक्शन दिया गया था आपको देखो आपकी कॉपी में लिखा ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी दट वॉज अ फंक्शन ओके ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी देखो ये लिखा इसका आंसर क्या आया था इसका आंसर आया था ए प्लस बी सी अब इसी एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा सा जनरलाइज्ड वे में समझू मतलब हमारे पास इस एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल हैं तीन वेरिएबल दिख रहे हैं एक वेरिएबल ए है बी है सी है तो वेरिएबल ए को मैंने लिखा कि ये फर्स्ट वेरिएबल है फर्स्ट टर्म है वेरिएबल बी को हमने लिखा कि ये सेकंड है और वेरिएबल सी को हमने लिखा कि ये थर्ड है क्लियर है तो हमने यहां पर क्या ऑब्जर्व किया देखिए ध्यान दीजिए बहुत सिंपल सी बात है एक बार में समझ में आ जाएगी ध्यान दीजिए ए मीन्स वॉट फर्स्ट तो हमने देखा फर्स्ट प्लस सेकेंड इन टू फर्स्ट प्लस थर्ड क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इन टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म एंड इट इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकेंड इन टू थर्ड मतलब आपने देखा वन टू वन प्लस टू इंटू वन प्लस थ्री इसको बोलने के लिए ऐसे बोलते हैं ना वन प्लस टू थ्री दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम इसे क्या बोला जाता है दोस्तों इसे बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम बोलचाल की भाषा में कैसे बोलेंगे वन प्लस टू इंटू वन प्लस थ्री इज इक्वल टू वन प्लस टू थ्री ये थ्योरम अगर आपको दिमाग में क्लियर है तो काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत ईजिली हैंडल होते चले जाएंगे तो अभी तक हमारे डिस्कशन में हमने चार थियोर की चर्चा कर ली पहली थियोरम एंड बुलियन मल्टीप्लीकेशन की फिर हमने बात की बुलियन एडिशन यानी कि और थियोरम की अब हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन थियोरम की तो आप लोगों ने ये चारों थियोरम समझनी होंगी चलिए अब इस पर बेस्ड एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको कराता हूं फिर आगे का डिस्कशन हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे देखिए नेक्स्ट क्लास में एक सिंपल सा एग्जांपल मैं करा देता हूं अभी मैंने जो लिख दिया था ना एग्जांपल गलती से वो मैं कराता हूं आपको देखिए f इज इक्वल टू मैंने शायद लिख दिया था ए प्लस ए बार बी चलो मिनिमाइज करो मिनिमाइज द एक्सप्रेशन स्क्रीन को पॉज कर दो और फटाफट से इसको मिनिमाइज करके दिखाना आपको चलिए क्या लिखा है ए प्लस ए बार बी स्क्रीन को पॉज करो और मिनिमाइज करो इसको जल्दी से ए प्लस ए बार बी दॉट बिग डील एट ऑल सिंपल क्वेश्चन है अभी हमने क्या रियलाइज किया थ्योरम में देखो वन प्लस टू इंटू वन प्लस थ्री इक्वल टू वन प्लस टू थ्री देखना ध्यान देना जरूरी नहीं है कि यहां से हम ये इधर आए कोई जरूरी नहीं है हम इसको कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो हम इसको लिखकर ऐसे लिखकर भी तोड़ सकते हैं अल्टीमेटली क्या करना है नंबर ऑफ टर्म्स को कम करना है नंबर ऑफ वेरिएबल रिड्यूस करना है एक्सप्रेशन को छोटा से छोटा बनाना यही परपज है अब वो कैसे भी हो ऐसे इधर लिखा हुआ यहां से यहां आना या यहां से इधर चले जाना क्लियर है वो कैसे भी हम कर सकते हैं चलिए तो अभी हमने क्या देखा हां क्वेश्चन है ए प्लस ए बार बी स्क्रीन को पॉज करके आप लोगों ने ट्राई किया होगा मैं अब इस सवाल को आप लोगों के लिए सॉल्व कर रहा हूं ध्यान देना जरा मैंने यहां पर भाई साहब ए को बोल दिया है वन फर्स्ट A बार को बोल दिया है सेकंड और बी को बोल दिया है थर्ड तो मुझे इस एक्सप्रेशन में क्या दिख रहा है देखो मुझे इस एक्सप्रेशन दिख रहा है फर्स्ट प्लस सेकंड थर्ड अच्छा ये तो कुछ जानी पहचानी चीज है फर्स्ट प्लस सेकंड इंटू थर्ड क्या लिख सकते हैं इसको फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटू बीच में क्या है मल्टीप्लाई है इन फर्स्ट प्लस थर्ड यानी कि इसी एफ को मैं लिख सकता हूं फर्स्ट प्लस सेकेंड फर्स्ट मीन बॉट ए प्लस सेकेंड मीन बॉट ए बार डॉट फर्स्ट यानी कि ए प्लस थर्ड यानी कि बी तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं दैट ए प्लस ए बार मीनस वॉट इज इक्वल टू वन चाहे ए की वैल्यू जीरो हो या वन हो ए प्लस ए बार क्या आता है वन ए प्लस ए बार इज इक्वल टू वॉट वन यानी कि आ गया वन डॉट ए प्लस बी वन डॉट ए प्लस बी क्या आएगा फाइनल ए प्लस बी दिस इज द आंसर सो दिस इज द मैजिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन थियोरम अब इसी क्वेश्चन को हमें बिना डिस्ट्रीब्यूशन थियोरम के करना होता तो डेफिनेटली हो जाएगा सॉल्व बट आपको कुछ ज्यादा स्टेप्स की वहां पर नीड होगी आपको थोड़ा सा और इसमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं किस तरह से इसको और मिनिमाइजेशन की तरफ लेके जा सकते हैं डेफिनेटली वो सॉल्व हो जाएगा कोई दो नहीं है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम अगर हमारी क्लियर है अब देखो मैंने इतना एक्सप्लेन किया आपको ये लिखा फर्स्ट सेकंड अब आप क्वेश्चन देखोगे और आपको ये देखेगा और फिर सीधा ये देखेगा ये स्टेप आप मनी मन में कर सकते हो धीरे धीरे प्रैक्टिस से चीजें बनेंगी डोंट वरी सो आज के हमारे डिस्कशन में हम यहीं तक सम करते हैं फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन थियोरम पर कुछ अच्छे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और इसको और अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर वे में समझेंगे और आने वाली थ्योरम्स का भी डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे सो दैट्स विल बी इनफ फॉर दिस क्लास थैंक्स अच